मध्य प्रदेश से एक दर्दनाक खबर है, जहां पर शहडोल में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। इस दुर्घटना में 36 लोग जख्मी हो गए। मध्य प्रदेश के शहडोल में बारातियों को लेकर जा रही एक पिकअप वैन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 5 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 36 लोग जख्मी हो गए। ये पिकअप वैन जयसिंह नगर थाना क्षेत्र के ढोलर गांव से बाणसागर देवलोन की तरफ जा रही थी। बताया जा रहा है कि बारातियों से भरी वैन रास्ते में टीकी ग्राम पंचायत के पास अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में घायल 36 लोगों को व्यवहारी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंचे एम्बुलेंस सेवा की वजह से बाकी यात्रियों को समय पर अस्पताल पहुंचाया गया, जिससे मौत का आंकड़ा थम गया। इस सड़क हादसे में बलवंत सिंह, बुद्धिमान सिंह, राम बहोर सिंह, दीपक सिंह और मलिक सिंह की मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि पिकअप वैन के पूर्व मालिक प्रमोद तिवारी ने अपनी वैन धर्मेंद्र जायसवाल को बेच दी थी। पुलिस अब दुर्घटना का मामला दर्ज कर धर्मेंद्र जायसवाल की तलाश कर रही है। इस हादसे के बाद से धर्मेंद्र जायसवाल फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।